हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई TTS में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं दिखा रहा हूं आपको पटना गया डोभी 4 लेन। इस तरफ जो है सरिस्ताबाद है, यहां से देख सकते हैं आप इस तरफ, और ये रेलवे लाइन है पटना गया रेलवे लाइन, और ये ब्रिज बना NH 83 है जिसे कि JSP बना रही है। और इस साइड जो है कि जडडुमरी होते हुए, मसौरी होते हुए, जहानाबाद होते हुए, ये ग्रीनफील्ड रोड है। ये सब जो एरिया देख रहे हैं सब ग्रीनफील्ड है। नीचे में ये जो रोड देख रहे हैं ये पटना मीठापुर मोहली रोड है, और देख सकते हैं आपकी फ्लाईओवर पे यहाँ पे गडर लॉन्चिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। बड़ा ही शानदार ब्रिज का ये वर्क स्टेटस मैं पहली बार दे रहा हूँ, और काम देख सकते हैं आपकी बड़े बड़े क्रेन आकर लगे, काम की रफ्तार भी आप देख सकते हैं बहुत डीले है लेकिन बहुत फास्ट अब हो रहा है। ये जो देख रहे हैं ये मीठापुर मोहली रोड है, 8.6 किलोमीटर, ज़्यादा लेंथ है कम नहीं है, वो जहाँ तक रोड है वहाँ तक का है, लेकिन वो मैं उससे दूरी पर हूँ। ये रोड यहाँ से आकर के फिर पटना गया डोभी 4 लेन में आकर के मिल जाएगी है। और इस साइड देख सकते हैं आप यहाँ पर कार्य चल रहा है, मैं इस साइड आपको लेकर चलूँगा और दिखाता हूँ आप लोगों को। और अभी इस साइड जो है कि यहाँ से पटना लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर होगी, कम होगा ज़्यादा नहीं होगा। और इस साइड जो है कि गया 80 किलोमीटर अप्रोक्स होगा, और यहाँ से राम गोविंद सिंह मोहली जो है कि 1 किलोमीटर दूरी पर होगा हॉल्ट। और मैं इस साइड लेकर चलूँगा, गाड़ी तो नहीं है, मैं पैदल ही चलूँगा, पूरा दिखलाऊँगा आप लोगों को। दिखा दूँ कि ये सीधे जो है कि गया की ओर चली जाएगी, और ये जो सीधे जो है सरिस्ताबाद की ओर चली जाएगी। तो मैं आपको इस साइड लेकर चलूँगा, और इस साइड 10 किलोमीटर की दूरी पे पटना है, और ये मीठापुर मोहली एलिवेटेड रोड है। तो दिखलाता हूँ सरिस्ताबाद साइड क्या वर्क स्टेटस है, देखिए आप इस चीज़ को। लगभग ये से 127 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, आगे में एक बहुत बड़ा गोलम्बर बनने वाला है, तो हो सकता है मैं कोशिश करूँगा जाने का आगे, देखता हूँ, पैदल चलना है इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और देखिए इस साइड से पूरा यहाँ पे देख सकते हैं आपकी सॉइल फिलिंग का प्रक्रिया चल रहा है, काफ़ी तेज़ है, पहले से बहुत गति बढ़ गई है, क्योंकि इसे भी 2023 में फाइनल करना था लेकिन 2024 शायद लग जाएगा। ये दो भागों में, पहले तो 3 पैकेज में काम चल रहा था लेकिन 2 पैकेज आर रामकृपाल सिंह खुद कर रही है, और 1 पैकेज JSP कर रही है इस साइड से। और जब सॉइल फिलिंग होता है तो बहुत मजबूती के साथ उसे बनाया जाता है। देख सकते हैं आप ये ब्लैक कलर का जो बेल्ट देख रहे हैं, कई सारे इसके लेयर होते हैं, यूँ समझिए कि हर ये ब्लॉक जो लगता है तो उसमें 6-6 रहते हैं। देख सकते हैं आप दाग भी है इसमें, और देखिए यहाँ कितने हाइट पे ये इस तरफ से उठते हुए और इस तरफ को जाएगी, ये हाइट मेंटेन करेगा इस साइड, फिर से देखिए आप, तो ये फाइनल हाइट होगा। और जिस साइड में चल रहा हूँ इस साइड सरिस्ताबाद है, फिर ये जो है कि पटना मुकामा जो 4 लेन है उस साइड, ये उसमें जा कर के मिलेगी, फिर एक तरफ एम साइड भी जा कर के मिलेगी। लेकिन ये जो है 4 रेलवे लाइन को क्रॉस करती है इस साइड, एक जो है ये पटना गया यहाँ पर राम गोविंद सिंह मोहली हॉल्ट के पास है, फिर एक जटडुमरी से आगे है, और फिर जो है कि एक जहानाबाद में है और कोरोना स्टेशन के बीच में, और एक गया जंक्शन से आगे है। तो इस तरीके से ये 4 रेलवे लाइन को क्रॉस करती है, 4 ROB है। चलिए और दिखा दो, ये कर्व होते हुए, और इस तरफ परसा स्टेशन है इस साइड, और दूर आपको ट्रेन जाता हुआ दिख रहा होगा, देखिए फिर सामने भी आपको दिखेगा यहाँ से क्रॉस करते हुए, जो रेलवे लाइन में बताया आप लोगों को, देखिए यहाँ से ये क्रॉस करेगी, देखिए ये क्रॉस करिए, ये 8 बजे वाली पैसेंजर है जो 10:30 बजे गया को पहुँचाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रेन का अप एंड डाउन कंटिन्यू, अच्छी खासी ट्रेनों की संख्या है, और एक ट्रेन उस साइड से भी आने वाली है, यानी गया साइड से जो 8:30 बजे पटना पहुँचती है। तो कई सारे ट्रेनों की संख्या है, देखिए एक ट्रेन जा रही है, भीड़ बहुत है इसमें। आपको इस साइड लेकर चलूँगा, ये पूरी तरीके से ग्रीनफील्ड है मैं फिर से बता दूँ, और आगे में रोड कंस्ट्रक्टेड है, देख सकते हैं आप अच्छे से इस चीज़ को। जो वर्क फंसा हुआ है वो ब्रिज के लेकर के ही फंसा हुआ है, तो देखिए आप यहाँ पे देखिए ब्रिज का काम है इसीलिए फंसा हुआ है। चलिए आगे कुछ देखता हूँ, और मौसम साफ़ नहीं है इसीलिए वीडियो की विजिबिलिटी अच्छी नहीं है। और दूर देखिए वहाँ ट्रेन जाते हुए गया पटना पैसेंजर, उसी के जस्ट बगल में जो बाउंड्री एक देख रहे हैं तो वो मीठापुर मोहली एलिवेटेड रोड है, या उसे आप फ्लाई ओवर भी कह सकते हैं, रियल में जबकि फ्लाई ओवर ही है लेकिन रोड भी है वो। देख सकते हैं आप रोड की क्वालिटी, एक तरफ 2 लेन एक तरफ 2 लेन पूरी तरीके से कंप्लीट है, बीच में डिवाइडर भी है। और फिर से दिखा दूँ इस तरफ मीठापुर मोहली एलिवेटेड रोड फ्लाईओवर, और इस साइड, और इस साइड का वर्क बाकी है आगे में जो ब्रिज बन रहा है। चलिए कोशिश करता हूँ जहाँ तक बना हुआ, काफ़ी लेंदी होगा इसे भी कवर करना। अगर आप ये जो ट्रैक्टर वगैरह आप जाते हुए देख रहे हैं तो ये परसा बाज़ार की ओर चली जाती है, परसा बाज़ार रेलवे स्टेशन, फिर जिनको पटना जाना होता तो अभी रास्ता ही पकड़ते हैं। ये ग्रीनफील्ड है इसीलिए ये आगे से क्लोज है नथुपुर गोलम्बर के पास, जो गोलम्बर अभी होने वाला था। रोड जहाँ तक बना हुआ है सो बना हुआ है, मैं चलकर दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ पूरा दिखाने का, लेकिन रोड को और हाइट में रखना चाहिए था क्योंकि गांव देहात का रोड है, और इस हाईवे पे तो FOB बनने वाला है नहीं,
या अंडरपास के लिए बेहतर सुविधा देनी चाहिए था। खैर अब वो तो इंजीनियर समझेगा या कॉन्ट्रैक्टर समझेगा, तो मैं आपको अपडेट लेकर चलूँगा वाइट घर तक। अभी भी 2 किलोमीटर चलना है अप्रॉक्स, अभी हमें 2 किलोमीटर और 700 मीटर चलना है इस साइड। ये देखने में नज़दीक लगा लेकिन बहुत दूर है, और ऐसे दूर से ही NH 31 का जो बिल्डिंग वगैरह है वो नज़र आ रही है उस साइड से, नज़दीक इस साइड से और इस साइड तो है। चलिए देखता हूँ रोड की क्या कंडीशन है आगे। अपडेट देने के क्रम में मैं कंटिन्यू चल ही रहा हूँ। ये वाइट वाला जो घर देख रहे हैं आप, वहाँ तक हमको चलना है, वो भी लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। लगभग 3 किलोमीटर मैं लेकर के आ चुका हूँ। चलिए देखता हूँ जहाँ तक हो सकता है रोड के मिलेगा वहाँ तक मैं अपडेट दूंगा आप लोगों को। मैं एकदम लास्ट पॉइंट पर आ गया हूँ, थोड़ा दूर और आगे है। तो लोगों के द्वारा बताया है कि जो ये है वो आगे है, गोलंबर पे किसी तरह का वर्क नहीं है, और पेंटिंग वगैरह की व्यवस्था आप देख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा अपडेट है रोड में, जब गोलंबर का वर्क चलेगा तो मैं वो भी अपडेट दिखाऊंगा आप लोगों को। ये नहीं समझिएगा कि बस पहली बार ये रोड पे चल रहा हूँ इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, जब जान जाऊँगा इस चीज़ के बारे में अच्छे से तो मैं अपडेट देता रहूँ कंटिन्यू। और ये पेंटिंग का कार्य देख सकते हैं आप, हमारा पटना गया डूबी फोर लेन का स्टार्टिंग वर्क स्टेटस। तो चलिए अब मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूँगा। वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स। वैसे मैं फिर भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए वाइट घर से जो है कि ये रोड कर्व होते हुए और यहाँ पर ये गोलंबर बनेगा। तो यही एक छोटा सा अपडेट है मेरे माध्यम से।